हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना वचन निभाना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के लोग, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर, वार्ड बॉयज, उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए जो इन कठिन परिस्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्लों, आपकी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे। आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में है। आप अपने आसपास के पुलिस कर्मियों के बारे में सोचिए जो अपने घर परिवार की चिंता किए बिना आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। और कई बार कुछ लोगों के गुस्ताखे के भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी झेल रहे हैं। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही है। सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सभी उपाय किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई है।